है ममता गवान जी। हेलो जी सर, राजेश सर शुरुआत करेंगे। ममता गवान, ममता जी वीडियो ऑन करें। जी राजेश सर, राजेश सर है नहीं शायद, आप लीजिए सर। हाँ ठीक है। हेलो जी सर, नमस्ते सर। हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ममता जी आप जो है गंगानगर से हैं? जी सर, गंगानगर से। बीएससी किया आपने? सर मैंने बी सिविल इंजीनियरिंग किया सर, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा, गुड गुड। आप सुपरवाइजर हैं वीमेंस डिपार्टमेंट में? यस सर, वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में, गंगानगर में। गुड 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 गुड। अच्छा एक बात बताइए, ये गंगानगर के लिए क्या चैलेंजेस आप मानते हैं जिससे जो है जिसके मतलब भारत सरकार को या राजस्थान सरकार को सदा चिंतित रहना पड़ता है या उसके बारे में सोचना पड़ता है? जी सर, सर दो मेजर चैलेंजेस हैं यहाँ पर सर। एक तो सर नशे की समस्या है, दूसरे सर जो आईजीएनपी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर सर, वहाँ से दूषित पानी आता है, पॉल्यूटेड वाटर आता है। इसकी वजह सर यहाँ पर कैंसर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी जैसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं सर। ये और दो कोई प्रमुख समस्या समस्या थी? है और कोई नहीं सर। है क्या गंगानगर? सर एक सर बॉर्डर एरिया है सर, ये पाकिस्तान से बॉर्डर 210 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है पाकिस्तान से। तो सब कभी जब टेंशन रीजन होता है, कभी टेंशन एरिया होता है, तब यहाँ पर काफी ध्यान रखना पड़ता है सर, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। गुड गुड गुड, यही जवाब चाहिए था आपका। यस राजस्थान सर। का पुराना नाम क्या मानते हो आप? पुराना नाम क्या था राजस्थान का? सर मुझे ध्यान है सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में। गंगानगर गंगानगर में कौन सी सदी में, मतलब यूं कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी फसल होती है गंगानगर में जो पूरे यूं कह सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान, उत्तरी भारत में जो है ना उसको प्रेफर करते हैं और वो सेहत के लिए भी अच्छी चीज है? क्या चीज ऐसा प्रोडक्शन होता है वहां पर? जी सर, किन्नू की फसल होती है यहाँ पर, जो यहाँ पर बहुत फेमस है किन्नू, ऑरेंज की सर हाइब्रिड वैरायटी है ये। हाँ। अच्छा महाराजा गंगा सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? सर महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर रियासत के शासक थे सर। उन्होंने 1927 में गंग नहर वही लेकर आए थे गंगानगर में, और गंग नहर के नाम पर ही गंगानगर नाम रखा गया था जिले का। और सर उन्होंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बनाया था यहाँ पर, रेलवेज और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर प्रसार किया था, और सर वुमेन एजुकेशन के लिए भी उन्होंने काफी काम किया था। अच्छा एक बात बताइए, ये जो गंगानगर कहाँ से निकलती है वहाँ? सर गंग नहर शिवपुर हेड से आती है सर, गंगानगर में एंटर करती है कौन सी नदी से निकलती है? सर, सतलुज नदी से, अच्छा कौन सी जगह है वो? हरी के बैराज से है सर। अच्छा चलो एक बात बताइए, गंगानगर को फाउंडर ऑफ गंगानगर जो है ना, ये तो गंगा सिंह जी थे ये, लेकिन फूड बास्केट भी कहते हैं राजस्थान का, किस लिए कहते हैं इसको, गंगानगर को फूड जी बास्केट सर, ऑफ राजस्थान? जी सर, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों जो रबी सीजन और खरीफ सीजन, दोनों ही सीजन में क्रॉप्स अच्छी होती हैं। जैसे सर खरीफ में कॉटन होती है, और सर रबी में वीट होता है और चावल होते हैं सर। इसलिए जो खाद्यान्न फसलें हैं वो साल भर रहती हैं, इसलिए फूड बास्केट कहते हैं, और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, ऐसा है का ऐसा ही, कि ग्रीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ये कौन सा शहर है? सर श्रीगंगानगर को ही कहते हैं। अच्छा, आप महिलाओं के लिए, आप सुपरवाइजर के रूप में आपने व्हाट यू हैव डन फॉर द जना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या उनको जागरूक बनने के लिए आपने क्या किया इन दिनों? सर कोरोना काल में तो
हमें सर फील्ड वर्क अलाउ नहीं था। सर जब फील्ड वर्क अलाउ होता था तो हम सर महिलाओं को जागरूक करते थे कन्या भ्रूण हत्या इन सब मामलों को रोकने के लिए। और जो चाइल्ड मैरिजेस होती थी, तो कोरोना काल में भी चाइल्ड मैरिज हुई थी सर, पीपल पूर्णिमा के दिन, आखा तीज के दिन, उसको रुकवाना ये काम किया था। और सर फीमेल गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में बताते हैं। अच्छा, एज ए सुपरवाइजर आपने कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम किया है जिसको सदा याद रखोगे आप, जो किसी का भला किया हो, जो आपको भी याद, वो भी याद करेगा और आप भी याद रखते हो? जी सर, अभी मैंने जब आखा तीज थी तो इसी साल सर एक चाइल्ड मैरिज रुकवाई थी, 12 साल की बच्ची का विवाह रुकवाया था सर। क्या नाम है उसका? सर उसका संगीता नाम था। अच्छा, गुड गुड। उसने आपको अप्रोच किया था उसने? जी नहीं सर, उसने अप्रोच नहीं किया था। हमारे जो वर्कर होती है साथ इन ग्राउंड लेवल पे, उनके द्वारा सूचना दी गई थी। फिर उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर, ग्राउंड लेवल पर ये जो कौन सी आपके वर्कर्स का क्या नाम होता है? सर इसका नाम साथिन होता अच्छा, साथी। है। जी सर, आप गंगानगर की कल्चर को आप किसके निकट देखते हो? आप वहां की कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट किसका मानते हो आप अभी? जी सर यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का कल्चर का काफी इम्पैक्ट आता है गंगानगर में। गंगानगर में आपके ऑलमोस्ट कुछ ध्यान है क्या, आपको कितनी तहसीलें हैं मतलब, सर 9 तहसील हैं। या 10 है? 10 है या 9 है? मुझे सर अभी 9 ध्यान है। चलो, गंगानगर देख लेना उसको। गंगानगर की जी योजना सर, में कैसे बनी, गंगानगर की योजना को, गंगानगर के लिए उनके जो है ना उनके दिमाग में कैसे आई गंगा सिंह जी के ये विचार कि गंगानगर मुझे जो है ना एक डेवलप करनी है? सर यहाँ पर जो ये एरिया था पहले बिल्कुल रेतीला टीलों का एरिया था। यहाँ पर सूखा पड़ा था, फैमाइन था बहुत काफी सालों तक। तब फिर सर राजा गंगा सिंह के माइंड में आया कि अगर यहाँ पर इरिगेशन आ जाए तो यहाँ जमीन बहुत खाली है, तो यहाँ पर फसलें भी अच्छी होंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसी भावना से सर उन्होंने किया था अकाल का पड़ा था ये? अच्छा, सर 1833 के आसपास, एग्जैक्ट सर मुझे ध्यान में नहीं है। जी चलो चलो ठीक है। वो आपने ये लास्ट में जवाब दे दिया कि मुझे ठीक से याद भी नहीं है, तो वो सही रहता। जो चीज सर, आपको कंफर्म नहीं हो ना, तो उसके जी लिए सर, कैसे वो ये कह सकते हो कि आप मैं इसमें अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना चाहती हूँ या मतलब। तो ये अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सब जवाब सही है, एक दो क्वेश्चन का आपने जवाब या ना मैं उसका रिव्यू कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे, एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने, राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना था, जी सर राजपूताना। है ना? आपका तीसरा क्वेश्चन था कि कौन सी फसल होती है, तो तीनों आपने सही जवाब दिया है। और महाराजा गंगा सिंह के बारे में जानते हैं कि फाउंडर ऑफ गंगानगर थे वो, और फूड बास्केट के बारे में आपका सही जवाब था कि गंगानगर को कहते हैं ग्रीन डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान को गंगानगर को ही कहते हैं। और गंगानगर कौन सी सामाजिक संरचना है, तो वो सामाजिक पंजाबी कल्चर का बहुत इम्पैक्ट वहां पर है अभी भी। गंगानगर में कितनी तहसील है, तो वो 10 हैं अभी जो मतलब सर्च किया था उसके अनुसार 10 हैं, आप फिर भी आप देख लेना। और ये गंगानगर की योजना जो है 1899 और 1900 के बीच में बनी थी, जब अकाल पड़ा था, क्योंकि वो गंगा सिंह जी जो है ना वो उतने पहले नहीं हुए थे जैसा आप सोच रहे हो ना, उतने पहले नहीं हुए थे ये जो है 1899-1900 के आसपास में अकाल पड़ा था, तब फिर गंगा सिंह जी ने इसके बारे में योजना बनाई थी। ये हुसैनी वाला से ये जो है ना ये गंगा नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? सतलुज हुसैन नदी वाला पे, सर। हुसैनी वाला जगह से निकलती है। जी सर, और हिंदुओं के बाद सबसे अधिक जनसंख्या जो है ना वहाँ पंजाबी लोग रहते हैं, ये क्वेश्चन यस शायद मैंने पूछा सर, था। लेकिन यस आप सुपरवाइजर के रूप में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप है, और ये आपने अच्छा जवाब दिया कि मैंने
एक बच्ची की जो है ना वो शादी रुकवाई थी। आई फिर गुड, क्या आपने कुछ बात तो बता सकते हो आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं कि आपने वहां पर क्या आपने काम किया, ऐसा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है आपका। तो ये इस तरह के क्वेश्चन का आप एक दो क्वेश्चन आप जो भी याद याद रखिए, और भी ये चीजें मैंने की थी जो मुझे याद रखने लायक है। ममता जी, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं समझता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाएगा आगे भी, है ना? थैंक यू सर। जी सर। जी गौतम सर, लॉगआउट करें सर, लास्ट है ममता जी का। ठीक है सर, थैंक यू थैंक जी यू। राजेश सर। जी ममता जी, सुन पा रहे? नमस्ते जी सर, नमस्ते सर। ममता जी। ममता जी, आप वो वुमन सुपरवाइजर हैं अभी, यस सर। कौन से कोटे से हैं ये, आंगनवाड़ी कोटे से या? जी नहीं सर, सर इसकी अलग से वैकेंसी निकली थी वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में। वो जो अच्छा आंगनबाड़ी कोटा होता है सर, वो ICTS डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें होता है चलिए, कितना समय हो गया आपको? अच्छा, सर। मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था सर। लगभग 1 साल होने वाला है। अच्छा मुझे ये बताइए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, TSP एरियाज क्या होता है? TSP एरियाज, जी सर ये ट्राइबल शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, जैसे अपने राजस्थान में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, ये एरियाज इसमें काउंट होते हैं, तो जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, अनुसूचित जनजाति एरिया। चलिए, तो कितने जिले हैं अभी TSP जिले, अपन जिन्हें कह सकते हैं राजस्थान? सर एग्जैक्ट नंबर ध्यान में नहीं है सर, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। मुझे बताइए, राजस्थानी भाषा का उल्लेख कहाँ मिलता है मध्यकालीन भारत की प्रमुख भाषाओं के रूप में? सॉरी सर। अच्छा, तो राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी शब्द का यूज किया किसी भाषा शास्त्री ने? अच्छा, सर ध्यान में नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, लिपि जानते हैं आप, राजस्थानी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? सर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। श्योर है आप? यस सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, इंदिरा रसोई योजना क्या है? अच्छा, जी सर, इंदिरा रसोई योजना में ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। इसके अंदर सर बहुत ही कम अमाउंट में खाना दिया जाता है। एक वैन है, मोबाइल वैन्स होती हैं जो मेजर मेजर लोकेशन पर लोकेट की जाती हैं, और वहाँ पर 3 रुपए में, 5 रुपए में कोई भी आम आदमी खाना खा सकता है। कब हुई थी ये शुरू योजना? सर ये अनुमान लगाना चाहूंगे सर, सर जो पिछली सरकार थी सर उस दौरान शुरू हुई थी, एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था? सॉरी सर, ये हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित है सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही मैं। कोई बात। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायक हो सकती है क्या? जी सर, अगर अच्छा, हम देखें तो जो नहर का जो पानी है सर, वो इरिगेशन के लिए मोस्टली यही अपने राजस्थान के 9-10 जिलों में यूज होता है, तो
तो वहाँ की क्रॉप्स का हम एक्सपोर्ट करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिसाब से यूज हो सकता है। नहीं, वो तो इनडायरेक्टली वो तो सब जगह भी हो सकता है। क्या उसको लिंक कर सकते हैं दूसरी नहरों से? जी सर, लिंक होती है सर, इसमें कई माइनर्स से लिंक होती है IGNP से। नहीं, मैं मेरा प्रश्न आप समझे नहीं शायद, मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से बताता हूँ आपको। ये गंगानगर से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है कोई माल डायरेक्ट वाटरवे, हो सकता है क्या? सर हमें इसके लिए इसका जो चैनल है रूट वो देखना होगा, क्योंकि अभी तक ये लास्ट जो इसका पॉइंट है गरड़ा पॉइंट है वहां तक है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर अब कोई ध्यान में नहीं आ रहा सर मुझे अभी डायरेक्टली क्या कनेक्शन हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए नरेंद्र मंडल क्या था? सर ये चैम्बर्स ऑफ प्रिंस था, सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर, हिस्ट्री रिवाइज नहीं हुई है। चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों के या जो पूछा जाए उसके उत्तर आए या आए। हमारा कोशिश ये रहनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए उत्तर देने का। चलिए रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। और राजस्थान से 5 जिले हैं, धौलपुर, बारां, सिरोही, जैसलमेर और करौली, इनको इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है। टीएसपी एरियाज आप देखिए, ट्राइबल सब प्लान एरिया इसको बोलेंगे टीएसपी को, और जनजाति उपयोजना क्षेत्र हिंदी में बोलेंगे। और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ के 8 जिले जो हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और पाली, इनको टीएसपी एरिया बोला जाता जी सर, है। इसके अलावा देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर का वाटरवे का मैंने आपसे प्रश्न किया था, तो ये वाटरवे आप देखिए, जैसे गडरा रोड आप बता रहे हैं गडरा रोड तक, और उधर से आ रही नर्मदा नहर गुजरात से, जी सर, उनको दोनों को लिंक किया जा सकता है। और जी नर्मदा नहर से लिंक करके आप कांडला पोर्ट या जो सूरत है वहां तक पहुंचा सकते हैं अपना जी जो वाटरवे के थ्रू जो माल है, अगर इसको लिंक किया जाए। अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें इस दिशा में प्रयास करें तो बहुत अच्छा एक वाटरवे तैयार हो सकता है। नरेंद्र जी मंडल आप बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। 1921 में जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने ड्यूक ऑफ कनॉट को भारतीय राजाओं की ब्रिटिश साम्राज्य में भागीदारी निश्चित करने के लिए भेजा था यहाँ पर, और उन्होंने ये दरबार दिल्ली में बुलाया था, और इसके लिए जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए थे गंगा सिंह। इसके अलावा देखिए, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट राजस्थान हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, जो प्रजामंडल आंदोलन था उस वक्त 1942 में, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल जी शास्त्री और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के भी बीच हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, जी प्रजामंडल सर, आंदोलन को लेकर था ये। इसके अलावा देखिए, एक मैंने आपसे राजस्थानी भाषा के बारे में पूछा, तो आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है राजस्थानी शब्द का भाषा के लिए। और आधुनिक भारत में डॉक्टर गियर्सन, नाम सुना होगा आपने, भाषा शास्त्री थे ये। उन्होंने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द यूज लिया। एक मैं आपसे लिपि पूछ रहा था इसकी भाषा की, तो मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि आपने देखा होगा, घुमा के लिखते हैं अक्षरों को, उसे मुड़िया लिपि कहा जाता है। इंदिरा रसोई योजना मूल रूप से वसुंधरा सरकार के समय 2016 में शुरू हुई थी अन्नपूर्णा योजना के रूप में, फिर इसका नाम वर्तमान सरकार ने अगस्त 2020 में चेंज कर दिया, इंदिरा रसोई योजना। और आपने उत्तर दिया था 3 रुपए में और 5 रुपए में, उसमें थोड़ा सा संशोधन करें, 5 रुपए में तो नाश्ता मिलेगा और 8 रुपए में भोजन, जी सर, ये थोड़ा सा आप सुधार करें इसमें। एक आप इस पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, क्या सरकारी योजनाओं का नाम बदलना पार्टी की सरकार चेंज होते ही नाम बदलना सही है? इस पे आप अपना आंसर तैयार रखें, और इस योजना में क्या क्या प्रावधान है उनको आप एक बार देख लें। इसके अलावा बाकी जो आपके आंसर्स थे अच्छे थे,
थोड़ा और राजस्थान जी के आप देख लें। आप में प्रशासनिक व्यक्तित्व तो है आपका एक प्रशासक जैसा, लेकिन थोड़ा सा ही नॉलेज पार्ट में जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको आप दूर कर लें तो काफी जी अच्छा सर, रहेगा। और निराश नहीं हो, ज्ञान का कोई और छोर नहीं है, ठीक है। दो चार क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ जानती नहीं, ठीक है। रैंडमली जो क्वेश्चन होते हैं कई बार इस प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने धैर्य के साथ उत्तर दिए, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इस पे सुधार करें आप, और शुभकामनाएं। सर एक डाउट था सर मेरा। सर जी जो इंदिरा गांधी नहर के लिए हम बात कर रहे थे, तो सर इंदिरा गांधी नहर की इतनी विड्थ है क्या कि सर वहां पर वाटरवेज में वैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सके नहीं, वो? इसका पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा हमें, अभी तो नहीं है। अभी तो ओनली वो सिंचाई और पेयजल के लिए ही काम में आता है। उसको स्ट्रक्चर थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा कि उसको एक वाटरवे में कन्वर्ट किया जा सके, तो जी सर। ये चीज है। ठीक है थैंक यू सर। जी सर। ममता जी, नमस्ते सर। कब है डेट आपका इंटरव्यू का? सर 29 को है। यस तो आपके पास लगभग 12-13 दिन है। सर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये बताएं कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा का एक लक्ष्य रखा है 2022 तक, वो कितना है? सर वो 125 गीगावाट है सर, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी मिलाकर। सकते कितना कितना कौन सा ऊर्जा है? सर 100 गीगावाट तो सोलर एनर्जी है, सर अदर पोर्शन है सर विंड एनर्जी का है। बिल्कुल आंसर के आसपास हो, पर अभी इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि राजस्थान का एक पक्षी है जो इसके मार्ग में बाधक बन रहा जी सर, गोडावन पक्षी है सर, है। हाँ जो विंड टर्बाइन्स में आकर पंखी में आकर मर जाता है, और जो हाई टेंशन लाइन्स होती है पावर लाइन्स उससे आकर भी उसको नुकसान पहुंचता है। जी वेरी गुड। अच्छा ये सर, जो अभी गोडावण पक्षी है वो राजस्थान में कितने हैं? सर नंबर्स तो एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है सर। 180 सॉरी 150 है अभी, क्या ये एंडेंजर्ड श्रेणी में इनको डाला गया है। तो यस सर। एक बताएं कि जो ट्विटर है उस ट्विटर पर अभी पहला मुकदमा का दायर हुआ है, पहला केस हुआ है अभी इन्हीं दिनों में, मामला जी सर। आया, बता पाएंगे? जी सर, ये कोई बुजुर्ग की कोई पिटाई का वीडियो था, वो रिलीज हुआ था तो ट्विटर के माध्यम के द्वारा हुआ था। तो स्वरा भास्कर जो अभिनेत्री हैं तो उन्होंने वो वीडियो ऑनलाइन किया था ट्विटर के माध्यम से, और तो उन पर और जो इंडिया में जो ट्विटर के जो अध्यक्ष कहेंगे हम, उन पर दोनों पर केस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने मैनिपुलेटेड वीडियो उसको शो नहीं किया इसलिए। ट्विटर पर जो कार्रवाई हुई है इसमें एक लाइन है कि ट्विटर को अब आईटी नियम के अनुसार इंटरमीडिएटरी संरक्षण नहीं मिलेगा, जी सर। इस लाइन का क्या अर्थ है? सर इसमें हम कहेंगे कि पहले ये इंटरमीडिएट संरक्षण में आता था, तो जब भी कोई फॉल्स इश्यूज या कोई रूमर्स या कोई ऐसी वीडियो जो देश की सॉवरेनिटी को प्रभावित करती हो या कोई महिलाओं से संबंधित हो, तो ऐसे में होता था कि डायरेक्ट ट्विटर पर केस नहीं होता था। और अभी ऐसा है कि उसको उस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो डायरेक्ट ट्विटर पर केस हो सकता है। अच्छा एक देश है जिसमें अभी मकड़ियों का जाल बड़े बड़े जाले बन गए हैं, और बहुत ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? सर वो मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, वो फोटो भी देखी थी। देश का नाम सर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सर वहाँ फ्लड आई थी, फ्लड के कारण वहाँ पत्थरों पर जाले बन गए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि जो जाले बनाए हैं वो भी इसके लिए फायदेमंद है इकोलॉजी के लिए, जहाँ पर जो कीड़े मकोड़े होंगे मच्छर वगैरह होंगे तो उसको वो नष्ट करेंगे, तो वहाँ पर मौसमी बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। तो ये कहां पर है? सर ये जगह का नाम याद नहीं आ रहा अभी।
मैं आपको एक हिंट देता हूं, वो पूरे महाद्वीप पर एक ही देश है। सर अभी नहीं याद आएगा। एक ऐसा महाद्वीप है जिस पे कोई और देश नहीं, वो अकेला देश सॉरी सर, स्लिप हो रहा है दक्षिणी माइंड, गोल। हाँ, स्लिप हो रहा है सर, अभी नहीं रिकॉल दक्षिणी हो रहा। गोलार्ध में है। नहीं याद आ रहा आपको, बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की घटना है। मिसार जी सर। मिशन है, मिसार मिशन की जानकारी है आपको? जी सर, ये ये सर इंडिया इंडिया और अमेरिका के बीच जो क्लाइमेट को रिलेटेड कुछ नासा और इसरो से संबंधित कुछ था सर, निसार राइट जो राइट क्लाइमेट आंसर। के हाँ बारे में सूचना देगा, इससे संबंधित था सर ये मिशन। तो राइट राइट सर आंसर। 14-15 की सर बात है ये। ना ना, ये अभी लेटेस्ट है, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ, ये लॉन्च करेंगे अभी। जी ठीक सर, है, करते हैं थोड़ा। अच्छा ये बताएं कि जो क्वाड है अभी वापस चर्चा में आया, क्योंकि ब्रिटेन के मेजबानी में वापस इसकी वर्चुअल बैठक हुई अभी कुछ महीने पहले, तो क्या क्वाड है, क्या है और इसका गठन क्यों किया गया है? क्वाड सर 4 देशों से मिलकर बना है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सर 4 कंट्रीज हैं इसके अंदर। और इसमें सर ऐसे कि जो चाइना का प्रभाव जापान बढ़ता है। जा रहा है तो उसको सर काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। पैसिफिक एरिया में जो पैसिफिक रीजन है, जो उसके जो कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड किया गया। मुख्य चुनौती क्या है इनके सामने? सर प्रमुख, क्योंकि सर अभी चीन का जो प्रभाव है वो बढ़ता ही जा रहा है और आसपास जो कंट्रीज हैं, जो छोटी नेबर कंट्रीज हैं, वो उसके सर जो डेप्थ पॉलिसीज हैं उसमें आती जा रही हैं। ये मेजर चैलेंज है क्वाड के लिए। जी G7 के बारे में बताइए, G7 की अभी बैठक हो रही है, कौन सर, G7 में 7 कंट्रीज आती हैं कौन और सी? सर इसमें है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान और 3 कंट्रीज और हैं सर। इसके भी हाल ही में बैठक ब्रिटेन में हुई थी, तो सर इसमें पर्यावरण पर इन्वायरमेंट इश्यूज पे डिस्कस किया गया था और कोरोना जो महामारी है उसके बारे में बात की गई थी कि सब देश मिलकर इस आने वाली फ्यूचर में सब देश मिलकर इसका सामना करेंगे। और सर नरेंद्र मोदी जी ने इस पर वन अर्थ वन हेल्थ इश्यू पर बात की थी। थीम क्या थी? मेरा अंतिम प्रश्न है, G7 की थीम क्या थी? सॉरी सर, थीम नहीं ध्यान में। ठीक है, रिव्यू करते हैं। देखें ममता जी, काफी उत्तर आपने बहुत ही अच्छे दिए हैं, बस कहीं कहीं फैक्ट्स में आप अटक रहे हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये, फैक्ट में छोटे मोटे फैक्ट नहीं याद होते हैं। जो क्वाड बैठक है उसमें मैंने बता दिया, चौथा देश जापान है और ये मिलके इसको कर रहे हैं। G7 जो है कार्नवाल में हुआ, यूके में, और इसमें जो थीम रखी गई वो है BBW, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। उसमें जी भारत सर की भूमिका, भारत को भी गेस्ट अपीयरेंस था, और जो जिनकी जो योजना है उसके विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी, BRI प्रोजेक्ट के विरुद्ध सर जाएगा। और जो निसार मिशन है ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा, नासा और इसरो का मिलकर है, और ये पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों की जांच करेगा, जल ज्वालामुखी, जल सतह, भूजल, बर्फ पिघलने की दर इत्यादि की है जांच करेगा। ये आपका उत्तर लगभग सही था, बस आप इसको थोड़ा पीछे ले गए। ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा इसको, श्री इसको मैंने बहुत पहले भी पढ़ा है सर, जब मैं यूपीएससी तैयारी करती थी 2015-16 से, तब से पढ़ती आ रही हूँ इसको, तो मुझे ये लगा कि उस निसार टाइम तो से नया है देखते। अभी, आप देखना वो कौन सा निसार है उसको चेक करना एक बार। जी ठीक है, सर, बाकी ओवरऑल आंसर आपके अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट हो आप, और बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, आई होप कि अच्छा रिजल्ट होगा आपका। थैंक यू सर। ओके, शुभकामनाएं बहुत बहुत।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम।